नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए खास है, क्योंकि इसमें आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए ICDS की तरफ से पोशाक की राशि भेज दी गई है, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की ओर। तो उससे पहले, आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है वो 3/8/2021 यानी कि आज ही इस लेटर को जारी किया गया है, जिसकी संचिका संख्या है 3792, प्रेषक में दिया गया है निदेशक ICDS और सेवा में शाखा प्रबंधक एक्सिस बैंक दानापुर पटना। तो इन्हीं के द्वारा जो सहायिकाओं का पोशाक की राशि है उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। नीचे विषय दिया गया है, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को DBT के तहत वर्दी या पोशाक राशि का भुगतान करने के संबंध में। तो जो आंगनबाड़ी सहायिकाएं हैं उनको DBT के माध्यम से उनके अकाउंट में उनका पोशाक की राशि भेजा जाएगा। महाशय, उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्यांश मद से 83,436 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 800 रुपये की दर से कुल राशि 6,67,48,800 रुपये भुगतान किया जाना है। भुगतान प्रति वर्ष 800 रुपये की दर से एक बार ही भुगतान किया जाता है, वर्ष में एक बार ही 800 रुपये वर्दी के लिए दिया जाता है। इस राशि का भुगतान वैसी सहायिकाओं को किया जाना है जिनका मानदेय DBT योजना के तहत वर्ष 2020-21 में भुगतान किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 2020-21 में जिन सहायिकाओं का मानदेय DBT योजना के अंतर्गत किया गया है, यानी कि DBT के तहत उनके अकाउंट में पैसा आया है 2020 से और 2021 तक, तो वैसी आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 800 रुपये दिए जाने हैं। इनकी सूचना NIC से प्राप्त कर भुगतान किया जाएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः उक्त के संदर्भ में निर्देश है कि सीतामढ़ी एवं सिवान जिला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो जिला ऐसे हैं जो कि सीतामढ़ी एवं सिवान जिला को छोड़कर शेष 36 जिलों में 83,436 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के वर्दी या पोशाक की राशि 800 रुपये की दर से सीधे उनके मानदेय खाते में अविलंब भुगतान किया जाए। तो जी हाँ, जो सीतामढ़ी और सिवान जिला है उन दो जिलों में मानदेय की जो पोशाक राशि है उनके जिले में नहीं भेजी जाएगी, बल्कि 36 जिलों में इसका राशि भेजा जाएगा, सिर्फ दो जिलों को छोड़कर। वर्दी पोशाक की प्रविष्टि उनके बैंक पासबुक में भी किया जाए ताकि स्पष्ट हो कि यह राशि वर्दी या पोशाक की है। तो जो उनके पासबुक में प्रिंट होगा तो वहाँ पे भी इंडिकेट किया जाएगा कि 800 रुपये किस चीज़ के लिए आया है। PDF दिया गया है, इसके साथ संलग्न है, उसको चलिए दिखाते हैं, जिसमें कि दो जिलों को छोड़कर सभी जिलों में राशि दिखाई जा रही है, उस जिला में वो राशि शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर ऑफ आंगनबाड़ी सहायिका पोशाक वर्दी राशि वर्दी का जो विवरण दिया गया है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पर दिया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने आंगनबाड़ी सहायिका हैं और उनको 800 रुपये की दर से कितना अमाउंट उनके ज़िले में भेजा गया है। तो यहाँ पे सभी ज़िलों का नाम दिया गया है और जहाँ पे ये सिवान और सीतामढ़ी का देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल शून्य दिखा रहा है, यानी कि इनके ज़िलों में पोशाक की राशि नहीं भेजी गई है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।